बॉटनिकल पार्क जो कि हमारे असम में ही है, डिब्रूगढ़ में है। तो यहाँ आने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा और ये काफ़ी दिनों के बाद हमारा ये सेकंड ब्लॉग है और मेरे साथ है जिमी। मैं रहूँगा गाइस। हाँ, तो ये मेरे साथ रहेगा और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये बॉटनिकल पार्क जो कि एक जोकाई फॉरेस्ट है और यहाँ पर हम फॉरेस्ट में आए हैं एंड यहाँ पर बिना परमिशन के आए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पापड़ बिनना पड़ा, साइकिल में आए पहली बार और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। एंड आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जंगल है। तो आप कहेंगे कि इससे पहले वाला ब्लॉग भी जंगल में ही था और ये वाला ब्लॉग भी जंगल में ही है, तो क्या करूँ गाइस, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग ब्रह्मपुत्र में दूंगा एंड आज के लिए जो ब्लॉग होगा वो फिलहाल तो जंगल में ही होगा। सो हम अब देखने वाले हैं यहाँ का जो नज़ारा है और इस नज़ारा को हम आपको दिखाने वाले हैं। हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परिश्रम के बाद आए हैं एंड आपको दिखाएंगे हम लोग कैसे गेट पार करके आए हैं हम लोग, जो कि गेट लॉक था, तभी भी हम लोग आपके लिए ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं। ये पार्क जैसा लगता नहीं है, सिर्फ मुझे जंगल ही लगता है। और इसको हम जोकाई फॉरेस्ट भी है ये पहली बात, और हम आपको दिखाते हैं यहाँ का जो नज़ारा है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी है थोड़ा बहुत। काफ़ी ज़्यादा जंगल हम में आज पहुँच गए और यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं दिख रहा है, वैसे सिवाय एक अंकल के। एक अंकल है जिमी इधर पक्के में, और यहाँ पर कुछ बैठने के लिए आदमी के लिए जगह दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कोई पार्क है, बट यहाँ पर शायद से अभी ये पार्क रहा नहीं, बहुत ही ज़्यादा जंगल हो गया अभी तो। और जंगल में ही बहुत ज़्यादा ये जंगलिया हो चुका है एंड सब तरफ बस जंगल है। इसको पढ़ के आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एंड ये काफ़ी एक फॉरेस्ट है जो कि फॉरेस्ट एरिया में हम लोग आए हैं और बिना परमिशन के आज हम लोग आए हैं। एंड भगवान का लाख लाख शुक्र है यहाँ पर कोई अभी एनिमल्स नहीं मिला हम लोग को। तो आप देख सकते हैं हमारा सलमान खान आ चुका है, सस्ता शाहरुख खान। वाह भाई, बस हम लोग को भी निकलना है। यहाँ पर फिर से एक गेट हम लोग को साइड से मिलेगा क्या? हाँ, तीन गेट है और एक गेट है। और भाई साहब यहाँ पर हम लोग को फिर से पार होना पड़ेगा वैसे, और हम लोग दूसरे गेट से पार हुए थे और शायद यहाँ पर ये लगभग ज़्यादा ख़त्म हो जाता है क्योंकि और रास्ता यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। और हम यहाँ से शायद हम लोग जाने वाले हैं और देखते हैं कि यहाँ से हम कैसे जाते हैं। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ से जाना थोड़ा नामुमकिन जैसा भी है, बट हम लोग जा सकते हैं। और ये पूरा जंगल एरिया, और ये जंगल एरिया बहुत ही ज़्यादा पूरा फैला हुआ है। और भाई साहब क्या बताऊँ, मतलब अब इधर से जिमी जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जा, यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं वैसे, अगर यहाँ से नहीं हो पाता तो बात अलग है, पर मेरे ख्याल से हो जाएगा, ये ज़्यादा ईजी लग रहा है। और हम देख रहे हैं कि जिमी जाता कैसे। तो भाई साहब जिमी लगभग पहुंच चुका है, और जिमी लगभग पहुंच चुका है, और वैसे जिमी ने अपना काम कर लिया। तो गाइस इसी के साथ हम ये अपना ब्लॉग बंद करेंगे।